जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पर इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो टॉपिक है ये ध्यान रखे कौन, रेलवे वाले सारे स्टूडेंट। ठीक है, टेक्नीशियन हो या फिर नॉन टेक्नीशियन, सब अच्छी तरीके से इस टॉपिक को देख लेना। छोटा सा वीडियो है लेकिन खास होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, आप किसी भी टॉपिक को पढ़े, बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो, ठीक है, या फिर मैथ्स हो, थोड़ा सा उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। वो टॉपिक थोड़ा सा इस तरीके से बन जाए कि वो आपको अच्छा लगने लगे। ठीक है, वो जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगने लगे तो आपका जो मन है, आपका दिमाग है, पूरी तरीके से वहाँ पे काम करता है। ठीक है, और उसकी छानबीन पूरी तरीके से करने की कोशिश करता है, उसकी हर चीज़ बारीक बारीक चीज़ आपको पता होती है। इसलिए अपना इंटरेस्ट जगाए, उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाए। कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले कीवर्ड अलग निकाल लें। ठीक है, कीवर्ड यदि कीवर्ड आपको पता है ना तो फिर उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसके बारे की पता चल जाती है। ठीक है, कैसे? तो देखो यहाँ पर क्या है, पादप जगत है। ठीक है, प्लांट किंगडम है। इससे पहले मोनेरा जगत हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, इसके भी बहुत सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे पादप जगत क्या है और इसके भाग है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि जो पादप जगत है ये होता क्या है। ठीक है, पादप का मतलब क्या होता है? पौधे। जगत का मतलब होता है एक वर्ग। ठीक है, तो पौधों का एक वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे पौधों का एक वर्ग तो लिया है लेकिन यहाँ पे जीवित पौधों की बात करी है। ठीक है, निर्जीव नहीं करी की है। ठीक है, तो जीवित पौधे जितने भी हैं यहाँ पे, जीवित जीव है उन सभी को यहाँ पर लेंगे, निर्जीव को नहीं लेंगे। पौधे जीवित भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, कैसे? अब बहुत सारे 90% लोगों के माइंड में ये है कि पौधे जो है वो तो निर्जीव होते हैं। ठीक है, जीवित तो होते नहीं लेकिन पौधों को जीवित कैटेगरी में रखा है। ठीक है, ऐसे पौधे या पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो जीवित पौधे हैं। और बाकी कोई पेड़ सूखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? मृत है। ठीक, मान लो से कि कोई अपन इंसान है तो इंसान को यहाँ पे कोई सुई वगैरह चुभोएंगे या फिर कुछ कट जाएगा थोड़ा बहुत तो यहाँ से ब्लड निकलेगा। तो पौधों में भी वैसा ही है, पौधे मान लो थोड़ा बहुत कट गए तो उनका क्या ब्लड निकलेगा? नहीं, लेकिन ब्लड के रूप में उनका कुछ अलग पदार्थ है वो निकलेगा, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनको अपन थोड़ा सा खुरुच देते हैं या फिर वहां थोड़ा सा काट देते हैं तो वहां पे एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है। ठीक है, वही क्या है? वही उनका ब्लड है, जैसे अपना ब्लड है। ठीक, इस तरीके से तो यहां पर पादप जगत की बात कर लें तो पादप जगत में क्या क्या चीजें हैं इसको याद रखने के लिए तीन वर्ड कौन से हैं उसको अपन पकड़ लें खाली बस। ठीक है, कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये देखें। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये है कि कोई भी पादप जगत है उसके अंतर्गत आने वाले जो भी प्लांट है, पौधे हैं, वो कैसे होंगे? समस्त मतलब सभी के सभी कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, अब यूकैरियोटिक प्लांट होंगे। उसके बाद में फिर कैसे होंगे? तो प्रकाश संश्लेषी होंगे। पहला पॉइंट क्या है कि सारे पौधे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। फिर सारे कैसे होंगे? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, ठीक है, और अपना भोजन बना सकता है, राइट, ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल, प्रकाश का जो सूर्य आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई, एक है यूकैरियोटिक और दूसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषी। उसके बाद में फिर है बहुकोशिकीय और उसके बाद स्वपोषी उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है। तो पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन से सारे पौधे आते हैं? वे पौधे जो यूकैरियोटिक हो, प्रकाश संश्लेषी हो, बहुकोशिकीय हो और स्वपोषी उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हुआ यहां पे? तो यहां पे एक वर्ड है प्रकाश संश्लेषण। इसका तो आपको पता है कि कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करता है, कैसे करता है? तो यहां पर मान लो कि एक पौधा है, यहां पे वो पानी लेगा, H2O लेगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहां पर और क्या लेगा? तो यहां पे उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ठीक है, H2O और CO2, ये दो मिलेगा इसको, ठीक है, H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा, और उसके बाद में फिर यहां पर देखेंगे तो ऊपर सूर्य से सूर्य का प्रकाश इसको मिलेगा। ठीक, अब इससे सूर्य का प्रकाश लेगा और इसके बाद में इसी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है उसके माध्यम से ये क्या करेगा? अपना भोजन का निर्माण करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, संपन्न करेगा, ठीक है, और बनाएगा क्या यहां पर? कार्बोहाइड्रेट, मतलब भोजन, सिंपल बोलो तो क्या बनाएगा? भोजन, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये अपना भोजन का निर्माण करता है, जो खुद भी करता है, खुद भी खाता है और इंसानों को भी देता है।
ठीक है, जैसे बहुत सारे जो फल होते हैं वो पौधे से पौधे ही बनाते हैं लेकिन उसको खाते हम भी हैं, राइट। तो इस तरीके से है। अब तो यहां पे पादप जगत क्या होता है, ये सारा क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, अच्छी तरीके से। क्या है तो पादप जगत के अंतर्गत वे सारे पौधे आते हैं जो यूकेरियोटिक हो, प्रकाश संश्लेषी हो, और उसके बाद बहुकोशिकी हो, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं वाले हो, और स्वपोषी है, स्वपोषी मतलब जो खुद भोजन बना ले, ठीक है, स्वपोषी उत्पादक हो, मतलब पौधे जितने भी है वो सारे सारे क्या है, उत्पादक है। अब क्या उत्पादन करेंगे तो फलों का निर्माण करेंगे, ठीक है, बहुत सारे अनाज का निर्माण करेंगे, और उसके बाद में ऑक्सीजन को उत्पादित करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को भी बाहर निकालेंगे जो हम लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए क्या जरूर, ऑक्सीजन पौधों के लिए क्या जरूर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इस तरीके से यहां पे स्वपोषी ये सब कुछ क्या है, ये पादप जगत के अंतर्गत आ गया। इतना यहां पे कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। अब यहां पर आपको एक बात और बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, कौन सा है कि अभी तक टोटल इसके अंतर्गत, पादप जगत के अंतर्गत कितने पौधों को लिया गया है, तो यहां पर देखो 3.5 लाख, इतने लाख पौधे इतने पौधों को सम्मिलित किया जा चुका है, किसमें, प्लांट किंगडम में, मतलब पादप जगत में। इतना यहां पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे, तो इस पादप जगत को समझने के लिए इसको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, दो जगत प्रणाली हमने पढ़ी है, पांच जगत प्रणाली भी पढ़ी है, R.H. व्हिटेकर की पांच जगत प्रणाली भी पढ़ी है, ठीक है, और कैरोला श्रेनियस ने भी यहां पे, मतलब मेन जो वर्गीकरण का काम किया किसने, कैरोला श्रेनियस ने किया है, लेकिन R.H. व्हिटेकर ने भी पांच जगत में तोड़ दिया था उसको, ठीक, वो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। अब यहां पे देखो, दो जगत प्रणाली के अनुसार, किसके अनुसार यहां पर डिवाइड किया इसको, तो दो जगत प्रणाली के अनुसार इसे तीन प्रभागों में बांटा गया है, किसको, प्लांट किंगडम को, पादप जगत को, राइट। अब पादप जगत को तीन भागों में बांटा है, तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं, और ये जो तीन भाग है इसे जो जुड़ा हुआ जब प्रश्न आता है तो 99% लोग इसको गलत ही करते हैं, जबकि ये आसान, ठीक है, बस ये कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट काफ़ी होता है, ठीक है, कैसे, तो वो तीन प्रभाग कौन कौन से है ये देख लो, कौन सा है, तो यहां पर देखें, सबसे पहला है कौन सा, थेलोफाइटा, कौन सा है, थेलोफाइटा, यहां पर लिख दे रहा हूं, थेलोफाइटा यहां पर ये पहला वाला इसका भाग है, ठीक। अब इसके बाद फिर दूसरा वाला देखेंगे तो यहां पे आएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, ब्रायोफाइटा, राइट। अब इसके बाद फिर देखेंगे यहां पर तो ट्रेकियो फाइटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो एकदम अच्छी तरीके से याद रहेगा ये वाला। अब क्या होता है थेलोफाइटा, क्या होता है ब्रायोफाइटा, और क्या होता है ट्रेकियोफाइटा, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर थेलोफाइटा के अंतर्गत वो सारे प्लांट आते हैं जिनमें संवहनी ऊतक नहीं होता है, पहली बात क्या है, थेलोफाइटा के अंतर्गत कौन से प्लांट आते हैं, कौन से पौधे आते हैं जिनमें संवहनी ऊतक नहीं होता है, मतलब ऐसे पौधे, पहला यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे पौधे जिनमें संवहनीय ऊतक नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये हुआ कि जो थेलोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं, प्लांट है, ठीक है, वो कैसे है, संवहनी ऊतक उसमें नहीं होंगे, ये हुआ। अब दूसरी बात करें इसका, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है, यहां पे दूसरा, फिर यहां पर देखें तो ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा इसको देख ले, ठीक है, ताकि सही तरीके से याद रहेगा। तो इसका पहला पॉइंट है कि यहां पर संवहनी ऊतक नहीं, इसमें भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं लिखा, मतलब क्या है, समझ जाना कि यहां पे नहीं है। तो इसमें भी थेलोफाइटा में भी संवहनी ऊतक नहीं होते हैं पौधों में, और ब्रायोफाइटा में भी संवहनी ऊतक पौधों में नहीं होते हैं। अब आपके माइंड में यहां पर यह आ रहा होगा कि ये जो संवहनी ऊतक लिखा हुआ है ये है क्या, ठीक है, संवहनी ऊतक मतलब क्या है, उत्तक मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बोलेंगे इसको, उत्तक को किसको, क्या बोलेंगे, टिश्यू ये, ठीक है, इंग्लिश में टिश्यू बोलेंगे, हिंदी में उत्तक बोलेंगे। अब यहां पे संवहनी उत्तक पौधों में कौन कौन से हैं, तो
तो केवल दो प्रकार के ही संवहनी ऊतक, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी होगा पहले पिछली वाली क्लासों में कई बार मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो संवहनी ऊतक में सबसे पहला वाला एक कौन सा है, जाइलम है, और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम। चलिए अब इसके बाद में दूसरा वाला पॉइंट देखें इसमें, ठीक है। थैलोफाइटा में दूसरा पॉइंट क्या है, तो थैलोफाइटा का दूसरा पॉइंट ये है कि इसके ये जो पौधा होगा, ठीक है, एक जीव होगा, जीव मतलब पौधा वही है, ठीक है। तो ये जो प्लांट होगा, पौधा होगा, वो एकदम सूक्ष्म पौधा होगा, एकदम बारीक वाले जो पौधे होते हैं शैवाल टाइप के, कवक टाइप के, ठीक है, वही इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस थैलोफाइटा में किस वर्ग के पौधे आते हैं, कैसे आते हैं, तो जैसे इसमें मुख्यतः मुख्यतः क्या क्या आता है, तो शैवाल, फिर क्या आता है, तो यहाँ पे कवक, और क्या आता है, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जीव हैं, ठीक है, ये किस में आएंगे, थैलोफाइटा में आएंगे, ठीक। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सामान्य ऊतक इसमें नहीं होता है, क्लियर है। अब इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट इसमें देख लो, तो यहाँ पर ये वाले में तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पे शैवाल रहेगा, कवक रहेगा, या फिर जीवाणु रहेगा, ये किसी भी प्रकार के पत्ती या फिर तना या फिर जड़ों के रूप में अलग अलग विभक्त नहीं होगा, मतलब इसमें एक सुखाए शरीर होगा केवल, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देख ले, लिख ले, और इसको यह जड़, पत्ती एवं तना में विभक्त नहीं होगा, में विभक्त नहीं होगा, ठीक है। यहां पर इतना यहां पे इसको ध्यान रखना, ठीक। चलिए तो ये थैलोफाइटा के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल में, क्या है, पहला ये कि इसमें संवहनी ऊतक नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे इसमें मुख्यतः क्या आता है, शैवाल, कवक और जीवाणु आता है, ठीक है, जिसमें से कवक और यहां पे जीवाणु हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ा है तो पिछले वाला वीडियो जाके देख लें तो आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यह जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होगा, जैसे पौधा होता है, पेड़ होता है, मान लो पीपल का पेड़ ले लो, बबूल का ले लो, तो क्या उसमें जड़ें भी होती है अलग, तना भी होता है, और उसमें अलग अलग शाखाएं भी होती है और पत्तियां भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहां पर शैवाल और कवक जीवाणु में ऐसा नहीं है, ठीक, कोई यहां पे अलग अलग विभक्त नहीं होता है, ठीक है। अब देखें फिर ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें भी सामान्य तक तो नहीं होता, ये तो देख लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है कि ये नम स्थानों पर होते हैं, कहां पर, नम स्थानों पर। दूसरा नंबर यहां पे लिख दे रहा हूं, स्थान कहां पर है इनका, स्थान, तो ये कहां पर उगते हैं, नम स्थान, नम, और यहां पे छायादार स्थान, ठीक है। तो कहां पर उगते हैं इस टाइप के पौधे, वो नम स्थानों पर, जहां पर थोड़ा गिल्ला गिल्ला रहता है, और उसके बाद छायादार, ठीक है, जहां पर लगभग जमीन क्या है, ढकी रहती है, बहुत घने पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, वहां पर ये उगते हैं, ठीक। दूसरा यहां पर देख लें तो आर्द्रता आवश्यक है, ठीक है, ये यहां पर देखो। और इसके बाद में फिर यहां पर देखना है चौथे नंबर पे यहां पे देखना है कि इस वर्ग का ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा जो पौधा होता है वो कौन सा है, क्या नाम है, डोसोनिया। ये क्या है, ये सबसे बड़ा पौधा है, सबसे बड़ा पौधा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसका क्लियर हुआ कि यहां पे जो ब्रायोफाइटा है उसके मेन पॉइंट क्या है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला ये है कि सामान्य ऊतक इसमें नहीं होता है, दूसरा नम छायादार स्थान में ये उगते हैं, और उसके बाद फिर इनको आर्द्रता आवश्यक होती है, मतलब आर्द्रता ही जरूरी है इनके लिए, और इनका सबसे बड़ा जो पौधा है इस वर्ग का वो कौन सा है, डोसोनिया, राइट। इतना यहां पे क्लियर है। अब इसके बाद फिर देखो ट्रेकियोफाइटा क्या है, इसको यहां पर समझ लो, ठीक है, ठीक। तो इसका सबसे बहुत ज्यादा नहीं है इसमें फैक्ट, लेकिन इसमें सबसे पहले ये है कि इनमें संवहनी ऊतक इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता, लेकिन इसमें संवहनी ऊतक होता है, ठीक है, संवहनी ऊतक होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो पौधे हैं वो क्या है, ट्रेकियोफाइटा में आएगा, क्लियर है। तो ये है, और बाकी अब यहां पर देख लें तो जितने भी एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, आवृत बीजी है, अनावृत बीजी, समस्त प्रकार के जो पौधे हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो ट्रेकियोफाइटा में आएगा। ट्रेकियोफाइटा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, ठीक है, और उसी में फिर आएगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक। इसको लेकर बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक क्लास पूरी ली है, और काफी लोगों ने यहां पर देखा है उसको, है ना, उस क्लास को,
लगभग 17-18 हज़ार लोगों ने उसको देखा है, ठीक है, उस वीडियो को उतना बेहतरीन तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है, ठीक है। और आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर आप देख सकते हैं जाके इसी चैनल पर, चैनल के नाम पर क्लिक करना है और फिर वीडियो वाला फोल्डर में जाना है, ऊपर खिसकाते जाना है, देखते जाना है कि वहां पे आपको बताया है, थंबनेल पूरा लगा हुआ है, दिख जाएगा कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पौधा आप लिख दोगे ऊपर तो भी आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से। चलिए तो यहां पर ये वाला जो है पादप जगत, इसकी इसकी बेसिक जानकारी पूरी यहां पर कंप्लीट हुई है। और बाकी हाँ, यहां पर शैवाल और कवक के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया है मैंने पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, इसलिए इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरीके से आपने देख लिया है तो इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है, कॉपी में एक बार नोट करके जरूर रख लें ताकि बाद में रिविजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में रिविजन हो जाएगा, ठीक है, नोट्स बन जाएगा, राइट। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।